हे गाइस, तो इस वीडियो में गाइस मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ, वो है गाइस फीडबैक। तो गाइस कोई भी प्रोजेक्ट आप अपने फ्लटर में क्रिएट करते हो, चाहे वो वेब बेस्ड हो, एंड्रॉयड बेस्ड हो या आईओएस बेस्ड हो, आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए फीडबैक सिस्टम चाहिए ही चाहिए होता है। अगर आप अपने ऐप के बारे में सीरियस हैं और अगर आपका ऐप जो है प्रोडक्शन लेवल पे है, कोई भी उसमें बग आता है, कोई भी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है वो ठीक से वर्क नहीं कर रही है, तो आप चाहोगे जो आपके यूज़र हैं उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के बारे में फीडबैक दें, या फिर गाइस कोई भी चीज़ आपको अगर उन्हें इम्प्रूवमेंट के बारे में बताना है या फिर आपका ऐप कितना अच्छा है वो बताना है, तो आपको फीडबैक सिस्टम चाहिए होगा। तो गाइस इस वीडियो में एक फीडबैक सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ, वायरडेस्क, जो कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है गाइस, अब इसे लिमिटेड यूज़ के लिए कम्प्लीटली फ्री है। अगर आपकी यूसेज बढ़ती है, जो आपके यूज़र हैं अगर वो बढ़ते हैं, तो उसके बाद आप इसका पेड प्लान भी गाइस यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस पेड प्लान भी इतने महंगे नहीं होते, इसके बहुत सस्ते हैं। ठीक है गाइस, लेकिन अगर गाइस आपका स्टार्ट ही हो रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है, या फिर आपके जो प्रोजेक्ट है उतने यूज़र नहीं आते उस आपके ऐप के ऊपर, ठीक है, मतलब 2-3-4 हज़ार यूज़र हैं, तो उसके लिए गाइस आप बिल्कुल फ्री है, इसमें आप सारी फंक्शनैलिटी इसकी एक्सेस कर सकते हो। तो गाइस इसको यूज़ करना बहुत आसान है। सबसे पहले गाइस क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल करना है इसे। ठीक है, वायरडेस्क पैकेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टॉल टैब के अंदर जाएंगे, सिंपली यहाँ से कॉपी करना है हमें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, रूट डायरेक्टरी के अंदर जाओ यहाँ पे टर्मिनल में, और सिंपली गाइस करना है हमें पेस्ट। पेस्ट करने के बाद दबाओ एंटर। एंटर दबा दोगे गाइस तो पैकेज जो है आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है, इसलिए गाइस मैं नहीं कर रहा इंस्टॉल। ठीक है, सेकंड चीज़ हमें क्या करनी होगी, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है ये पैकेज गाइस, वो हमें इंपोर्ट करना है main.dart में, क्योंकि यहीं पे हमें इसे कन्फिगर करेंगे। अब क्योंकि गाइस यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पेस्ट करा हुआ है। ठीक है, तो मुझे पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पेस्ट कर देना। अब गाइस थर्ड स्टेप, यहाँ पे सिर्फ हमें कन्फिगर करने के लिए क्या करना है, जो आपका गाइस मटेरियल ऐप है, यहाँ पे आप गेट मटेरियल ऐप मत देखना क्योंकि मैंने पैकेज इस्तेमाल करा हुआ है, आपका नाम होगा मटेरियल ऐप। उसके अंदर गाइस क्या करना है, आपको मटेरियल ऐप को सिर्फ को रैप करना है इस विजिट को एक वायरडेस्क के अंदर। तो गाइस वायरडेस्क के अंदर जैसे ही आप इसे रैप कर दोगे मटेरियल ऐप को, तो वायरडेस्क के अंदर गाइस दो पैरामीटर जो है रिक्वायर्ड है, एक है प्रोजेक्ट आईडी, एक है सीक्रेट। अब आपको किस तरीके से प्रोजेक्ट आईडी और सीक्रेट आईडी मिलेगी यह मैं आपको बता देता हूँ, और किस तरीके से आपको अकाउंट क्रिएट करना है वायरडेस्क पे ये भी बता देता हूँ। सिंपली गाइस क्या करना है, रीडमी पे जाओ, यहाँ पे गाइस वायरडेस्क आईओ पे जाओ आप। ठीक है, यहाँ पे गाइस क्या करना है, आपको करना है लॉगिन, यहाँ पे आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद अब जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है, सपोज़ यहाँ पे आपको क्या करना होगा, प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा सिंपली। उसके बाद गाइस जैसे ही आप सेटिंग में जाओगे, तो आपको जर्नल सेटिंग में जाके यहाँ पे आपको उस प्रोजेक्ट की आईडी और सीक्रेट आईडी मिल जाएगी। सिंपली आपको कॉपी करना है और आपको कोड बेस में यहाँ पे पेस्ट कर देना है, बस गाइस इतना ही करना है। उसके बाद किस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है फीडबैक का सिस्टम, सपोज यूज़र बटन दबाए तो आपको फीडबैक सिस्टम जो है ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, और फीडबैक सिस्टम कैसा लगता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फीडबैक सिस्टम को गाइस कुछ इस तरीके से होगा, जैसे ही यूज़र बटन दबाएगा तो एक फीडबैक सिस्टम ओपन हो जाएगा, जहाँ पे यूज़र उस पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकता है, वहाँ पे एरो वगैरह लिख सकता है, कुछ टैक्स वगैरह लिख के भेज सकता है। ठीक है, इस तरीके का फीडबैक सिस्टम होगा। अब किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, सिंपली हमें क्या करना है गाइस, ये हमें कोड जो है कॉपी करना है यहाँ पे। ठीक है, अब जहाँ भी आप चाहते हो जो भी यूज़र बटन दबाए और ये पर्टिकुलर कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाए, अब हमको ये फंक्शनलिटी अचीव करनी है। तो गाइज मैंने क्या करा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है वहाँ पे, सिंपली क्या होगा गाइज यहाँ पे मैंने कर दिया है इसको पेस्ट। आप किसी फंक्शन के अंदर इस कोड को पेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे कंटेस्ट भी आप पास करना जरूरी रहेगा। तो गाइज जैसे ही यूज़र वो बटन दबाएगा, ऑटोमेटिकली गाइज क्या है, फीडबैक सिस्टम ओपन हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्क्रीन में। तो गाइज इतना सिंपल है इसे इस्तेमाल करना, बस गाइज आपको इतना ही करना होगा इस फीडबैक सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे गाइज मैंने फीडबैक सिस्टम जो गाइज फीडबैक सिस्टम है मैंने ड्रॉपडाउन मेन्यू में अटैच करा हुआ था। तो जैसे ही गाइज ड्रॉपडाउन मेन्यू में फीडबैक बटन दबाऊंगा, मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा मेरा फीडबैक सिस्टम। तो गाइज आपको इसे इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो और सेंड कर सकते हो। ठीक है गाइज, उसके बाद जैसे आपके पास जब फीडबैक आएगा तो गाइज किस तरीके से आएगा, आप प्रोफाइल खोलोगे, यहाँ पे गाइज प्रोफाइल में जाओगे, उसके बाद गाइज यहाँ पे जाओगे आप टेक्स्ट में, तो यार जो भी फीडबैक होगा यहाँ पे आ जाएगा और आपको शो होगा कि जो भी यूज़र ने फीडबैक भेजा है। ठीक है, यहाँ पे आप उस चेक कर सकते हो अपनी डिटेल की फीडबैक जो है किस तरीके का है, किस तरीके का नहीं है, और आप इसे थोड़ा बहुत कन्फिगर भी कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और डिटेल में चाहिए इन्फॉर्मेशन इस पैकेज के बारे में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अभी तक के लिए बाय बाय, फील सेफ।
आपको लगता है इस वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी ठीक लगी हो या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, फील सेफ।